That is so interesting, sir. I don't think this story has been related to anybody else before. So, dusra question is, sir, what was that one time when you realized that it is important to inculcate the reading habit apne aas paas jo hai un logo mein bhi? So, what was that one time ya kaun sa ek aisa event tha? Yeah, मैंने देखा, मैंने आसपास के लोगों को देखा, मेरे दोस्तों की, वो बुक्स तो खरीदते हैं पर पढ़ते नहीं है. पर मुझे पता चले कि बुक्स और रीडिंग हैबिट आर नॉट सिनोनिमस, दोनों एक बात नहीं है, दो अलग चीज है. इट्स लाइक घर पे डंबल्स होना और डंबल्स को उठाना, दोनों में अंतर है. वैसा ही है. तो मुझे बस आपको बुक्स देख के या बुक समरीज फ्री में देख के, वहां पे मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती. मुझे उसके आगे जाना है. आई वांट टू मेक यू रीड, मेक माई फ्रेंड्स रीड. दैट वॉज माई नो डिजायर. मुझे लगा कि ये मेरी ड्यूटी है दोस्तों को हेल्प करना. और एक चीज बहुत चेंज हुई थी डिप्रेशन के दौरान. मैंने काफी ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़े ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम, जॉन एफ कैनेडी, बराक ओबामा, दुनिया के लीडर्स. और पता चला कि ये तो सब पैसों के अलावा सब कुछ बात कर रहे हैं. अब मुझे पता चला कि मैं क्यों 3 बार स्टार्टअप्स में फेल हुआ. बिकॉज द फंडामेंटल क्वेश्चन आई आस्क्ड वाज व्हाट्स इन इट फॉर मी. मेरा पैसा, मेरा प्रोग्रेस, मेरा बैंक बैलेंस, माय प्रॉफिट्स, मी मी मी. आफ्टर रीडिंग दिस बायोग्राफीज देयर वाज अ शिफ्ट इन माय माइंडसेट फ्रॉम व्हाट्स इन इट फॉर मी टू व्हाट कैन आई गिव. अचानक से सब कुछ चेंज हो गया. अभी मुझे मनी डजंट एक्साइट मी एनी मोर, पीपल एक्साइट मी. नो, हमको लगता है कि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर. नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स रॉन्ग. पीपल आर द बिगेस्ट मोटिवेटर. मैं बस लोगों को नो हेल्प करते गया, हेल्प करते गया. एंड नाउ सी यार, पीपल, लोग मुझे प्यार से बुकलेट गाय बुलाते हैं. ऑफकोर्स गाय मतलब इंग्लिश वाला गाया. तो या आई स्टैंड फॉर रीडिंग हैबिट. I don't even stand for books, as I said. There's a difference. I don't even stand for booklet app. मैं यहाँ booklet app को promote करने के लिए नहीं आया हूँ. In fact, I hate to talk a lot about it. आज अगर मुझे आधा घंटा सुनने के बाद अगर साम्या inspire होती और रात को सोने से पहले अगर 5 pages भी पढ़ती है ना किताब के, I will declare mission accomplished. I will definitely try to do that and make you feel the mission is accomplished.